नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी भीषण संग्राम, पुतिन पलटन के घातक प्रहार से बैकफुट पर यूक्रेन की आर्मी, दावा मई में लुहांसक डोनेस्क पर कब्जा कर लेगी रडार। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुए 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, रूसी तोपों ने यूक्रेन के 400 ठिकानों को अपना निशाना बनाया, इसके अलावा 39 अन्य लक्ष्यों को निशाना बनाया गया। राज ठाकरे का लाउड रुख जारी, बाला साहेब के वीडियो के सहारे एमएनएस चीफ का उद्धव, सरकार पर सीधा निशाना, महाराष्ट्र के कई शहरों में अजान के साथ बची हनुमान चालीसा। उदयपुर में मुख्यमंत्री गहलोत दौरे पर पहुंचे, एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया, कांग्रेस के चिंतन शिविर की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री। जोधपुर उपद्रव को लेकर सीएम गहलोत का बीजेपी पर जोरदार निशाना, बोले नड्डा आए थे आग लगाने, हाईकमान ने इनको दिया होमवर्क, राजस्थान के नाम से घबराई हुई है बीजेपी। राज ठाकरे 5 जून को अपना परिवार के साथ अयोध्या जाएंगे, कार्यकर्ताओं ने मुंबई में जगह जगह चलो अयोध्या के पोस्टर लगाए, पोस्टर में लोगों से 5 जून को राज ठाकरे की अयोध्या यात्रा में शामिल होने की अपील। चुनावी बोर्ड में बीजेपी, जयपुर में 19 से 21 मई को बीजेपी की उच्च स्तरीय बैठक, वर्चुअली शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे अध्यक्षता। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पढ़ने का विवाद, राणा दंपति को मिली बेल, मुंबई सेशन कोर्ट से मिली सशर्त जमानत, कोर्ट की हिदायत आगे ऐसा कोई अपराध न करे। राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भीलवाड़ा के बिचौलिया पहुंचे, जहां उन्होंने जैन तीर्थ पार्श्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, वहीं मंदिर कमेटी और कार्यकर्ताओं ने पूनिया का स्वागत किया। जयपुर में कोविड स्वास्थ्य सहायकों का आंदोलन जारी, शहीद स्मारक पर सीएचए के धरने का 34वां दिन, कोविड स्वास्थ्य सहायकों की है फिर से संविदा पर लगाने की गुहार। नेपाल के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बम की सूचना मिली, बता दें कि इसको लेकर एक धमकी भरा फोन भी आया, जिसके बाद एयरपोर्ट को खाली करवाया गया, हालांकि बाद में पता चला कि वो एक मजाक। दिल्ली के शाहीन बाग में अतिक्रमण पर 9 मई से लेकर 13 मई तक चलेगा बुलडोजर, साउथ दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली पुलिस से मांगा एक्स्ट्रा फोर्स। दिल्ली से दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने, ड्राइवर ने महिला को मारा थप्पड़, कार चढ़ाने की कोशिश। उत्तराखंड में पिछले 8 महीनों से सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर दर्ज की गई है, बता दी कि मार्च में बेरोजगारी दर 3.5% थी, जो अप्रैल माह में बढ़कर 5.3% हो गई। जम्मू कश्मीर में आतंक पर गहरी चोट, इस साल अब तक 18 पाकिस्तानी समेत 64 दहशतगर्द ढेर किए गए, 144 आतंकियों को सेना ने गिरफ्तार किया। जोधपुर में जालोर गेट पर हुए उपद्रव के बाद कर्फ्यू लगा हुआ है, 88 घंटा घर में पसरा सन्नाटा, पुलिस प्रशासनिक अधिकारी कानून व्यवस्था बनाए। धौलपुर एसीबी के भरतपुर में बड़ी कार्रवाई, 11,000 की घूस लेते वनपाल और वृक्षपाल ट्रैप, तो उदयपुर में मावली सरपंच 15,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। अजमेर में प्राइवेट टैक्सी चालक को बंधक बनाकर लूट की वारदात सामने आई, बदमाशों ने पिस्तौल दिखाकर टैक्सी चालक के साथ मारपीट की और फोन नकदी सहित कागजात लूट कर फरार हो गए, मामले में टैक्सी चालक ने सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। आरबीआई ने की रेपो रेट में 40 बेसिक अंकों की बढ़ोतरी, रेपो रेट बढ़कर 4.40 पहुंची, जिसके कारण शेयर बाजार में भारी गिरावट, आरबीआई के ऐलान के बाद सेंसेक्स 1000 अंक गिरा। देश में कोरोना फिर पैदा कर रहा दहशत, एक दिन बाद फिर बढ़ गई कोरोना की केस, 24 घंटे में 3,239 नए मरीज मिले, 54 मरीजों की मौत हो गई। चीन में कोरोना वायरस का कहर जारी, अकेले शंघाई में 4,722 केस मिले, बता दें कि इससे पहले शंघाई में 3 लोगों की कोरोना से मौत हुई। एलन मस्क ने दिया ट्विटर यूजर को बड़ा झटका, इस्तेमाल करने वालों को देने होंगे पैसे, एलन मस्क ने बताया कि आने वाले समय में ट्विटर का फ्री में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी LIC का 21,000 करोड़ रुपए का IPO खुल गया है और 9 मई को बंद रहेगा। आपको बता दें कि LIC IPO की प्राइस बैंड 902 से 949 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है, LIC के IPO से 21,000 करोड़ जुटने की उम्मीद। मरुद्रा में तपिश से मिली थोड़ी राहत, 2 से 4 डिग्री तक गिरा तापमान, श्रीगंगानगर में तेज अंधड़ के साथ बारिश और गिरे ओले, पेड़ होर्डिंग्स और बिजली के पोल धराशाही। कई दिनों तक भीषण गर्मी पड़ने के बाद अब कुछ राहत मिली, दिल्ली यूपी समेत कई 10 राज्यों में
बारिश होने की संभावना। आपको बता दें कि इन राज्यों में उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके, बिहार, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा भी शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सना मरीन में कोपेनहेगन के अंदर मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और ऐसे अन्य क्षेत्रों में इस साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 मई को 2 दिन के दौरे के लिए पश्चिम बंगाल जाएंगे। गृह मंत्री का बंगाल दौरा राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण। बीएसएफ अधिकारियों के साथ लंच करेंगे गृहमंत्री। भारत बायोटेक ने फिर डीसीजीआई से मांगी परमिशन, कहा कोवैक्सीन की बूस्टर डोज का ट्रायल बच्चों पर भी। अदालत के बड़े फैसले, बूंदी एडीजे कोर्ट ने 3 हथियारों को सुनाई उम्र कैद। भरतपुर पॉक्सो कोर्ट ने रेप हत्या के आरोपी को दी आजीवन कारावास की सजा। आधुनिक और विज्ञान के दौर में भी अंधविश्वास का बोलबाला। बांसवाड़ा के एमजी अस्पताल में आत्मा लेने पहुंचे परिजन, थाली में दिया जलाया और ढोल भी बजाया, लेकिन जिम्मेदारों ने रोकने की कोशिश नहीं की। सवाईमाधोपुर के बोली में बामनवास विधायक इंदिरा मीना ने सीएससी का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक ने सीएससी इंचार्ज डॉक्टर रणजीत मीना को फटकार लगाते हुए व्यवस्था माकूल करने के निर्देश। प्रतापगढ़ में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर बीजेपी ने मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया और दारेबाजी करते हुए राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू पचेरी में शराब ठेके पर फायरिंग करने के आरोप में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और मामले में पूछताछ शुरू कर दी। दौसा में भाजपाइयों ने जोधपुर घटना को लेकर कलेक्टर पर प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजसमंद के राधा कृष्ण रेस्टोरेंट में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाया और पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। राजसमंद के धामला गांव में तपस्वी और दीक्षार्थी विनय भंडारी का भव्य वर्षी दान वर घोड़ा निकाला गया। इस दौरान मेहंदी लगाकर और राखी बांधकर विदाई रस्म की गई। झालावाड़ की बड़ाई में कुशवाहा समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन का समापन हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने विवाह सम्मेलन में हिस्सा लिया। लक्ष्मणगढ़ के भोजासर में एक युवक की कुएं में गिरने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकलवाया, पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। देवर में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में बिगड़ रही कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए राज्यपाल के नाम एसडीएम राहुल जैन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने से पूर्व सभी बीजेपी कार्यकर्ता सेंद्रा रोड स्थित अंबेडकर सर्किल पर एकत्रित हुए, जहां पर जिलाध्यक्ष भूतड़ा ने उन्हें संबोधित किया। धौलपुर में शौच के लिए जाते हुए एक बुजुर्ग को स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मोर्चे पर पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम कराया और स्कॉर्पियो की तलाश शुरू कर दी। सीकर में भारतीय जनता पार्टी ने अंबेडकर सर्किल पर जोधपुर में हुई घटना का विरोध जताते हुए धरना देकर प्रदर्शन किया और पूरे मामले में निष्पक्षता के साथ दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। जयपुर के झालाना डोंगरी वार्ड नंबर 110 में पानी की समस्या बढ़ने लगी और सीवरेज का पानी पीने के लिए मिल रहा है, तो कॉलोनी वासियों ने जिम्मेदार लोगों से बात करने की कोशिश की, कोई सही उपाय नहीं मिल पाया, जिसके बाद निवासियों ने धरना प्रदर्शन किया। नागौर के स्थापना दिवस के मौके पर कांकरिया स्कूल मैदान में कवि सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें देश के अलग अलग इलाकों से आए हास्य रस की कवियों ने अपनी कविताएं पेश की। फलोदी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया। सीकर में इंदिरा, प्रियदर्शिनी और सामान्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग की मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में सभी मेधावी बालिकाओं को मुख्य अतिथियों ने स्कूटी, आरसी, हेलमेट भेंट किया। नीमका थाना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विद्युत निगम कार्यालय के सामने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद भाजपाइयों ने अधिशासी अभियंता को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर में ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थागत मंत्रालय कर्मचारी संघ ने महात्मा गांधी नरेगा कार्मिक संघ के आंदोलन का समर्थन किया और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया, जहाँ मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ब्यावर में भारत सरकार की तरफ से भारतीय जीवन बीमा निगम की 3.5% की हिस्सेदारी निजी हाथों में सौंपने और एलआईसी का निजीकरण करने का एलआईसी कर्मचारियों ने विरोध किया। सिरोही में जोधपुर में हिंसा घटना को लेकर बीजेपी ने राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और हिंसा के विरोध में भाजपाइयों ने प्रदर्शन किया। नागौर में प्रशासन शहरों के संग अभियान के दूसरे चरण के तहत नगर परिषद से शुरू हुआ। वार्ड नंबर 1 से 5 तक लगाए गए शिविर में वार्डों के आवेदक भी पहुंचे।
मलारना में 5 दिवसीय ऋग्वेद पारायण महायज्ञ का शुभारंभ हुआ, जिसके तहत मुख्य मार्गों से शोभा यात्रा निकाली गई। बयाने कस्बे के गुरुद्वारा मार्केट में आज एक बेकाबू ट्रक ने विद्युत निगम की 11 KV HT लाइन को तोड़ दिया। लाइन के टूटने पर बाजार में तेज धमाके के साथ आग की चिंगारियां फैल गई और बाजार में भगदड़ मच गई। देवधर उपखंड पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता पंचायत समिति कॉम्प्लेक्स में जमा हुए। इसके बाद राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी। डेढ़वान में फांसी का बंधा लगाकर युवक ने आत्महत्या कर दी। युवक की पिता ने बहू पर बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया। विधायिका के गणेश नगर में पुलिस चौकी, विधायिका के पीछे डॉक्टर के सोने मकान में चोरों ने धावा बोल दिया। एसी, वॉशिंग मशीन, एक सिलेंडर, नकदी सहित लाखों रुपए की चोरी कर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गुआना के गांव में पानी को लेकर खूब मारामारी मची हुई है। इसी तहत जांजा गांव में पिछले कई दिनों से पीने के पानी के लिए भी ग्रामीण तरस रहे, जिसको लेकर महिलाओं ने कहा कि अगर जल्द ही कोई समाधान नहीं हुआ तो मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा। सायला में संतुलन बिगड़ने से इनोवा कार पलट गई। वहीं कार पलटने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हनुमानगढ़ में इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार अंतर्गत स्कूटी वितरण समारोह का आयोजन बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया गया। समारोह में 39 बेटियों को स्कूटी का वितरण किया गया। जाजपुर के एक दुकान पर बैठे भाई बहन को एक अनियंत्रित ट्रेलर चालक ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं लोगों ने शराब के नशे में धुत वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की मांग की। जग में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव पेड़ पर लटका मिला। वहीं गंगाधर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई। रायसिंह नगर की अरुणवंश धर्मशाला में महिला ब्लॉक कांग्रेस का स्वागत कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की। कार्यक्रम में कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमला बिश्नोई, कांग्रेस प्रदेश सचिव ऋतु धवन, पूर्व विधायक सोना देवी बाबरी मौजूद थे। नवलगढ़ में गोलियाना के हिम सिंह की हत्या के मामले में राजपूत समाज सेवा समिति ने SDM को CM के नाम ज्ञापन सौंपा और हत्या के मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने की मांग। जयपुर में समाज कल्याण बोर्ड अध्यक्ष अर्चना शर्मा ने बैठक की। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के सभागार में आयोजित बैठक में स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ बातचीत। बूंदी के महिला थाने में अपने पिता के साथ एक नाबालिग ने पड़ोसी द्वारा दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी। करौली में एक विवाहिता का शव मिलने से मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने विवाहिता के पति को गिरफ्तार किया और अदालत में पेश कर एक दिन की पुलिस रिमांड पर लिया। माउंट आबू में राज्यपाल के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद नजर आया, जहां जिला कलेक्टर डॉक्टर भवरलाल और पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव राजभवन पहुंचे और स्थानीय स्तर के अधिकारियों के साथ मिलकर निरीक्षण किया। ब्यावर के छावनी बाबरा बस स्टैंड के पीछे स्थित झाड़ियों में पड़े रबड़ में अचानक आग लग गई। रबड़ में लगी आग के कारण उठे काले धुएं से पूरा वातावरण दूषित हो गया। सूचना मिलने पर दमकल कर्मचारी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। डेढ़वाना के पयाना में एक बुजुर्ग दंपति को उनके बहू और पड़ोसी द्वारा मारपीट कर घर से निकाल देने का मामला सामने आया। वहीं पीड़ित दंपति की गुहार पर DSP गोमाराम ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। झुंझुनू के किसान कॉलोनी में अचानक दो गाड़ियों की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक कार सवार घायल हो गया, जिसे पीड़ित के अस्पताल में भर्ती किया गया। बारांकी कोटा रोड गजनपुरा स्थित नाले में एक युवक का शव पड़ा मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, संदिग्ध का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बस्सी में कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने अनुसूचित जाति की जमीन को दबंगों से मुक्त कराया। इस मौके पर तुंगा नायब तहसीलदार हनुमान सहाय शर्मा सहित पुलिस प्रशासन मौके पर उपस्थित रहा। झालरापाटन की चारिया खेड़ी में बनने वाली बाउंड्री वॉल और इंटरलॉकिंग कार्य का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि झालरापाटन प्रधान भावना झाला मौजूद रहे। बाड़मेर जिला कलेक्टर लोकबंधु एक दिवसीय मैराथन दौरे पर बालोतरा पहुंचे। कलेक्टर ने अधिकारियों को दो दौरे में बैठक कर ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, पशु चारा शिविर और चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर सख्त निर्देश दिए। कोटा की रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने 17 साल से फरार चल रहे शातिर आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। आरोपी साल 2005 में कोटा से फरार हुआ था। इसके बाद मुंबई जाकर मुंबई में हफ्ता वसूली गैंग से जुड़ गया। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल द्वारा आजादी की गौरव यात्रा में मसूदा विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश हुआ। वहीं यात्रा के पिपलाज पहुंचने पर मसूदा विधायक राकेश पारिक के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गौरव यात्रा का भव्य स्वागत किया।
बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। के बाद आपका स्वागत है एक बार फिर से फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू कर। धौलपुर के पुरानी छावनी गांव के पास बने नाले में एक अधेड़ की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजन को सौंप। लारदू में आखा तीज के पर्व पर वीर हनुमान मंदिर में बालाजी को खिचड़ी का भोग लगाया गया। इस दौरान मंदिर में लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और पूजा अर्चना का सुख समृद्धि की कामना की। मेड़ता सिटी में लालाराम नायक को उत्तराखंड राज्य का जिला डीआरओ नियुक्त किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनको माला साफा पहनाकर स्वागत किया। मेड़ता सिटी की रुकमणी वाटिका में द्वितीय सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान समारोह में सर्व समाज हिंदू के 15 वरवधु वैवाहिक बंधन में बने। पदमपुर में नगर आराध्य देव लक्ष्मीनाथ महाराज का 492 महोत्सव 16 मई को विराट महोत्सव के रूप में मनाया गया। आपको बता दें कि इस अवसर पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें महाराष्ट्र का नासिक ढोल भी शामिल होगा। सरदार शहर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और शहर में विकास कार्यों को जल्द पूरा करवाने की मांग की। बीजेपी नेता और पूर्व प्रधान राजेंद्र मीणा महवा की तालचड़ी गांव पहुंचे और दो दिन पहले हुए आंधी के नुकसान का जायजा लेते हुए पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की। झुंझुनू में बीजेपी ने जोधपुर मामले में प्रदेशव्यापी आंदोलन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर इंजीनियर प्यारेलाल ढुकिया समेत अन्य लोग मौजूद रहे। डिडवाना में LIC कर्मचारियों ने प्रस्तावित IPO के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही 2 घंटे के वॉकआउट हड़ताल कर लंबित मुद्दों के जल्द समाधान की मांग की। केतड़ी बड़ाऊ में एक छात्र की जॉर्जिया देश में जेल में डूबने से मौत हो गई। वहीं छात्र का शव 6 दिन बाद जब गांव में पहुंचा, इस दौरान गांव के बाजार भी बंद रहे। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में एक युवक की बाइक में बदमाशों ने आग लगा दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और मामले की जांच में जुट गई। पोखरण में आवारा पशुओं ने आतंक मचा रखा है। बता दें कि बाजार में 2 सांडों की लड़ाई से अफरा तफरी मच गई। हादसे में कई राहगीर घायल हो गए। वहीं सूचना होने के बाद भी प्रशासन आवारा पशुओं को पकड़ने की कार्रवाई नहीं कर रहा। सीकर के अजीतगढ़ में सैनी समाज का प्रथम सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस दौरान विवाह सम्मेलन में समाज के भामाशाहों ने नव दंपतियों को आवश्यकता के उपहार भेंट किए। गोपालगढ़ के इरादेसर गांव के किसान की खेत में कृषि कार्य करते समय मौत हो गई। शव को भोपालगढ़ कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर लाया गया। भोपालगढ़ के आसोप में एक युवक के ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल के मोर्चे में रखवाया गया। ब्यावर में कांग्रेस सेवा दल की तरफ से गौरव यात्राएं निकाली गई। इस दौरान शहर में जगह जगह पर कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। डेगाने में GRP की सतर्कता से यात्री का स्टेशन पर छूटा सामान मिला, जिसको लेकर यात्री ने GRP स्टाफ का आभार प्रकट किया। बाड़मेर में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति को गिरफ्तार किया और पूछताछ शुरू कर दी। सरदार शहर के SBD कॉलेज और राम मंच सभागार में बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान युवाओं ने प्रतियोगिता के प्रति उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें कि जिले भर में ऐसी प्रतियोगिताएं हो रही है। देहरादून में कांग्रेस ने BJP पर निशाना साधा और CM धामी पर 4 धाम यात्रा में अव्यवस्था को लेकर आरोप लगाया। जसपुर में एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल के मोर्चे में रखवाया गया। नालकुआ में ग्रामीणों ने कोतवाली का घेराव करते हुए कोतवाल को ज्ञापन दिया और शराब तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। काशीपुर में 2 बाइक सवार लुटेरों ने एक महिला के साथ लूट की। सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 9,000 रुपए की रकम बरामद की। पौड़ी में लगातार कुछ अधिकारियों के बिना अवकाश के कारणों से गायब होने की शिकायतें मिल रही हैं, जिस पर आयुक्त सुशील कुमार गढ़वाल ने संज्ञान लिया और जिलाधिकारियों को अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ऋषिकेश में अनुपम पाठक का निवासी नीम बीच पर नहाते समय डूब गया। सूचना से SDRF की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और युवक का शव बरामद कर पुलिस को सौंप दिया।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।